यू नो नो आई अपलोड इन यूट्यूब हाँ सो दैट्स वाई हम लोग अभी जा रहे हैं बरबटोनिया। तो रास्ता देख रहे हैं कैसा रास्ता है, पिछड़े इलाकों में ऐसा रास्ता है। परबटोनिया कुटुंगिया पंचायत में आता है जो जलडेगा ब्लॉक में है, बहुत ही सुदूर इलाका है। पहले इधर नक्सली बहुत ज़्यादा मिलते थे, अभी तो कुछ कम हुआ है। यहाँ देखिए पुल बना भी हुआ है अभी। वैसे रोड का कंडीशन बहुत हद तक चलने लायक है लेकिन पक्का नहीं है। इससे पता चल रहा है हमारा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है और सुविधाएं बहुत कम हैं। सुविधाएं नाम मात्र का है, रोड तक अच्छी नहीं है। बरसात के दिनों में रोड की हालत ऐसी है, घने जंगल में कोई घर नहीं दिख रहा है, सुनसान। Yeah, so right one, no? As girl said. अब सब मैनपुर में लैंडस्लाइड एरिया था लेकिन अभी कम हुई है और इतना भी हम लोग ब्रिज से जा पा रहे हैं। पहले ऐसा इम्पॉसिबल था, अभी हम बाइक से जा पा रहे हैं। पहले ऐसा करना बहुत मुश्किल था और देखिए ये खतरनाक। यू नो जीवन इन लाइक दिस रोड नो फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल। यू हैव एक्सपीरियंस? या आई एम नॉट लाइक दैट बिकॉज आई डोंट ड्राइव एवरी टाइम एंड एक्चुअली फिजिकली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। नो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट आर यू सेइंग? फिजिकली आई एम सो वीक। बिफोर आई वॉज स्ट्रॉन्ग, आई एक्सेप्ट, बट आफ्टर स्टार्ट लिविंग इन रांची और यू नो आई हैव बिकम सो बॉयलर। वाट यू नो? अरे आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली, नॉट अदर थिंग। हाउ डू यू नो दैट आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू? What catching? What I have caught? Catching? Yeah, when I shake hands with anybody, I can know how much is powerful. Oh.
किलोमीटर पार करने के बाद में रास्ता हमने लिया, कुटुम्बिया वाला रास्ता। यहाँ से देख रहे हैं कुछ रास्ता पहले पूर्व में पक्का हुआ था होगा, अभी तो खटारा हो गया है। ऐसे रास्ते में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और रघुवर दास को लाना चाहिए ऐसे रास्ते में, और इतना घना जंगल में, तब पता चलेगा कि क्या होता है। बिजली का कोई सुराग नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, इधर नेटवर्क भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, इतना खतरनाक जंगल में न कोई घर दिख रहा है, न कुछ सुविधाएं दिख रही है। स्कूल की बात तो छोड़िए, और जहां तक मैं कहता हूं, गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेवलप नहीं किया है, मतलब जंगल सब को नष्ट नहीं किया, ठीक किया है, और डेवलपमेंट नहीं है चाहिए। हाँ, चाहिए तो अनुकूल होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल। ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जिसमें जंगल को समाप्त किया जाए। इस एरिया में ज़्यादातर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये देखिए ये कौन सा वृक्ष है, केंदु है ये, केंदु, ओके। और अभी बरसात होने का है, मौसम भी ऐसे ही बना रहा है, लेकिन क्या करें, काम का इसलिए हम जा रहे हैं। ये देखिए, जो अधिकार पक्षियों अनुसूची में दिया गया है आदिवासियों को, वही पत्थर यहाँ गाड़ा गया है, ठीक है। इसमें कुछ कानून लिखे गए हैं, रेनिंग, आई हैव अम्ब्रेला, पानी भी आ रहा है यार, पानी को भी अभी आना था, क्या खतरनाक रास्ता है, स्लो ब्रो, वे इज सो डिफिकल्ट। एंड इधर देखिए, इधर क्या, इधर खजूर का पेड़ सब, आई थिंक, वेट वेट वेट, विच वे लीड्स, कितना खतरनाक रास्ता है यार पूरा। हम रास्ता बेड़ा गए हैं, अभी पूछ रहे हैं कैसे जाना है। Really terrible way, bro. आप लोग देख रहे हैं रास्ता कैसे है, खतरनाक। यहाँ चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा अभी गाड़ी भी। नेटवर्क, अरे आई एम इन रोमिंग एरिया ओडिशा,
इट्स वी आर ऑन राइट वे नो वी आर ऑन राइट वे आई हर्ड अ ट्रेन कॉल सरकार दावा करती है बना रहे हैं लेकिन रोड नाम का कोई चीज़ नहीं दिखता है। देखिए कैसा है स्थिति, सिर्फ शहरों तक सीमित रोड बनाकर कुछ काम नहीं चलेगा। कहाँ रोड है, बिजली कहाँ दिख रहा है, बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये है जिल्डेगा प्रखंड का परबाटोनिया एरिया। हम घने जंगलों के बीच से जा रहे हैं, एक स्टेशन है वहाँ जा रहे हैं। देखिए बिजली का कोई खंभा नहीं दिख रहा है, मतलब बिजली का नामो निशान ही नहीं है। लोग इधर बिजली का नाम ही नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या रिकॉर्डिंग